अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी बस एक बार ये पता चल जाए कि भाई ने टेंडर में क्या कोटेशन डाला तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाभी कुछ भी हो जाए भाई 50 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकते, वो मुझे इस तरह हरा नहीं सकते। रमन अपना ईगो बात भी सुनाना, पहले फाइल ढूंढो। तब से वही तो ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां रख दिया भाई ने। हाँ एक सेकेंड, क्या हो रहा है सब? जश्न है अम्मा। और किस बात का जश्न? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत का। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से कुछ दिन बाद हम अजय चौधरी शादी करने वाले हैं। और हाँ अम्मा, क्या लगा था आपको कि आप हाथ पीछे खींच लेंगी तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? अजय अम्मा, मदद के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिल और तिजोरी दोनों के बहुत अमीर लोग रहते हैं हमारे महाराजगंज में, जो हमारे लिए और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आइए मिलते हैं उभरते हुए नहीं, अजय चौधरी के ससुराल वालों से। अरे वाह ग्लास, लगता है हमारी संगत तुम्हारे ऊपर पड़ गई। कभी तो तुम भी हमारी तरह से लुढ़क रहे हो। अरे हम तो भूल गए, हम अपना फोन ढूंढने के लिए आए। लो, ये यहाँ था। समन जी आप यहाँ? बेटा मिला क्या हमारा फोन? हाँ माँ मिल गया। तूने सोच भी कैसे लिया, हम पर गोली चलाने के बाद तू हमारे भाई के साथ रिश्ता तोड़ेगा। रिश्ता इन्होंने नहीं, हमने जोड़ा इनके साथ। और भैया थोड़ा तमीज से बात कीजिए, हमारे ससुराल वाले हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे घटिया लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ेगा? आपने नंदनी से शादी करने से पहले हमसे पूछा था क्या? अजय क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? तमीज का नशे में घोट कर पी लिए हो। ये देखिए, ये बोली हमारी प्यारी अम्मा। बहुत चुभ रहा था ना अम्मा उस दिन जो हमने कहा था कि हम आपके लाडले सुपुत के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे। अजय
क्या कहा था आपने? आप हमें पैसे नहीं देंगे? अरे तो मत दीजिए ना। बस एक बार फैसला हो जाए उसके बाद मेरी सारी परेशानी खत्म। हेलो, हाँ पंकज जी, गिव मी द गुड न्यूज। रजत सॉरी, फैक्ट्री के लिए जो टेंडर आपने भरा था वो किसी और को मिल गया है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं जी? आपकी कोटेशन से काफी कम कोटेशन हमें एक और कंपनी से ऑफर हुई है, तो हमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ा है। पंकज जी मैं कुछ हेलो हेलो पंकज जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये टेंडर नहीं मिला तो मृदुला दीवू को मुझसे छीन लेगी, मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं माता रानी, ये क्या हो गया? यही तो आखिरी उम्मीद थी रजत जी की, ये भी चली गई। अब हमें सहयोग देने के लिए हमारे ससुराल वाले आ गए। अब चुनाव में हम पर ये पैसा लगाएंगे। अजय, तू अच्छे से जानता है गांव वालों के लिए इनकी नीयत कितनी खराब है। एक नंबर के चोर है जो सिर्फ लूटना जानते हैं। अजय, तू इन घटिया गलत लोगों के साथ आखिर हो कैसे सकता है? तो हमने अपनों पे भरोसा करके देख लिया ना, वो भी तो चोर ही निकले। क्यों ना इस बार दुश्मनों पे भरोसा करके देख लिया जाए। लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे तू इसकी बहन से शादी करता है। तो देख लीजिएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही। कैसा बापू मैं जो अपनी बेटी को हारने के कगार पर। अनमोल इस दिए की तरह भाई की भी सारी उम्मीदें भूल चुकी है। देखो कितने टूट चुके हैं वो, और ही बाकी बची कुची कसर भाभी आकर पूरी कर देंगे। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम चाहो तो भाई को बचा सकती हो। बस मुझे शादी के लिए हाँ कह दो, मेरा ऑफर अभी भी ऑन है। देखो अनमोल, बस तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि इस समय अपनी पूरी रफ्तार पे है। भगवान जी, एकदम लट्टू की तरह हमारा दिमाग घूम रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम रजत जी की परेशानी को कैसे दूर करें। रमन जी को हाँ कहने के अलावा भी तो कोई हल होगा ना, कुछ तो होगा। हमारे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। भैया, इतने दिनों का शांत मन आज जाकर शांत हुआ क्योंकि तू हमारे गले लगी। भैया, समझ भी नहीं सकते कि आप पर गुस्सा करना हमारे लिए कितना कठिन था। आपको दर्द देना हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं था। रोना बंद कर पहले। अरे मैं पता है तेरा गुस्सा गलत नहीं था, पर हम भी सब सही करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सुन, तेरी परेशानी का पूरा तो नहीं पर थोड़ा हल जरूर है हमारे पास।
अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।